डरपोक वाली बात नहीं है, तू आगे कागज दिखा जाना, कागज दिखा जाइएगा, कागज दिखा जाइएगा, कागज दिखा जाइएगा, कागज दिखा जाइएगा। ये तस्वीरें तो याद ही होंगी आपको, क्या हुआ कुछ समझ नहीं आया क्या? चलिए कोई बात नहीं, हम आपको बता देते हैं। ये है कैराना से सपा विधायक नाहिद हसन, जिनको शामली की विशेष अदालत ने भगोड़ा घोषित कर दिया है। सुनो 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 बहनों और भाइयों, कस्बा कैराना निवासियों को सूचित किया जाता है कि अभियुक्त नाहिद हसन पुत्र स्वर्गीय श्री मुनव्वर हसन निवासी मोहल्ला हाल दरमियान कस्बा थाना कैराना के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 35/2019 धारा 420 406 379 427 506 504 457 380 323 123 बी आईपीसी थाना कैराना पर पंजीकृत है, जिसमें अभियुक्त नाहिद हसन फरार चल रहे हैं। नाहिद हसन पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस को काफी समय से विधायक नाहिद हसन की तलाश है। नाहिद हसन के कैराना वाले मकान पर नोटिस भी चस्पा दिया गया है। नाहिद हसन पुलिस को चकमा देकर फरार चल रहा है। नाहिद हसन के खिलाफ अलग अलग मामलों में कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया था। गिरफ्तारी के लिए 6 से ज्यादा टीमों का गठन किया गया। विधायक की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही थी, लेकिन विधायक महोदय पुलिस के हत्थे ही नहीं चढ़ रहे थे। चलिए अब आपको मामले की तह तक ले चलते हैं। दरअसल कुछ वक्त पहले गाड़ी के कागजात दिखाने को लेकर विधायक ने सीओ और एसडीएम कैराना से बदतमीजी की थी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। वीडियो सामने आने के बाद नाहिद हसन पर मुकदमा दर्ज किया गया था। जैसा आप सभी को मालूम है कि जनपद शामली के कैराना विधायक श्री नाहिद हसन के खिलाफ संगीन धाराओं में 12 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। इन्हीं 12 मुकदमों में से 4 मुकदमों में माननीय न्यायालय के द्वारा गैर जमानती वारंट भी जारी हो चुके थे, और इन्हीं में से एक मुकदमा जो 35/2018 है और 420 406 समेत 11 धाराओं में दर्ज हुआ है, इसी में पुलिस और माननीय न्यायालय को विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि इसके अभियुक्त श्री नाहिद हसन कैराना से पलायन कर गए हैं, इसकी पूर्ण संभावना है, और इस मामले में जारी गैर जमानती वारंट के तामीला से बचने के लिए अपने आप को लगातार छुपा रहे हैं। और इसी के मद्देनज़र माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश MP MLA कोर्ट कैराना, जो कि शामली में स्थित है, के द्वारा 82 CRPC की उद्घोषणा जारी की गई है, और उसी का तामीला कैराना पुलिस के द्वारा आज दोपहर में कराया गया है। इसके तहत मुनादी कराई गई है, और मुनादी कराते हुए उनके मकान पर 82 CRPC की उद्घोषणा को चस्पा किया गया है। ये एक प्रक्रिया है। चूँकि विधायक लगातार न तो विवेचना में सहयोग कर रहे हैं और न ही कोर्ट के समक्ष उपस्थित हो रहे हैं। शामली से शरद मलिक की रिपोर्ट, यूपी तक। धारा 420 406 379 400